तो मुझ पे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है कि भाई कोरोना वोरोना चल रहा है तो जापान के अंदर आपके सिटी के अंदर वहाँ पे क्या अपडेट है, वहाँ पे क्या हाल है। मेरी कल सिस्टर से बात भी हुई देन दे सैड लाइक इंडिया में अमेरिका इटली इन सबका शो कर रहे हैं बट जापान का भी इतना किसी ने शो नहीं किया। तो हम भी बोल रहे थे कि भाई जापान में है भी नहीं भी है क्या सीन है। मैं आपको आज बताऊंगा कि भाई यहाँ पे अभी सीन क्या चल रहा है। तो जापान के अंदर अभी रिसेंटली जो केसेस आए हैं वो है 1387 अभी करेंटली जो चल रहे हैं, जिसमें से 359 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं एंड डेथ सिर्फ 46 की हुई है। ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो, बूढ़ों की आबादी हो जहाँ पे, वहाँ पे ये बीमारी आना इज़ लाइक अ प्रलय ड्यूड। बट स्टिल जापान इज डूइंग गुड। हाउ मैं आपको सब बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब एंड सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर लोग ये दिखा रहे हैं कि हाँ भाई जापान ने जंग जीत ली है, जापान में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है, अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ बट बीच में यू नो लाइक जस्ट बिकॉज जापान ने एक एक्सेसिव कंट्रोल पा लिया था सिचुएशन पे और एक टाइम पे नंबर राइज बहुत मतलब ना के बराबर हो रहे थे और वो भी तो काफी थोड़े थोड़े हो रहे थे एज कम्पेयर टू अदर नेशंस, उस चीज का लोगों को काफी रिलीफ मिला। उस रिलीफ के चलते लोग यहाँ पे साकुरा होता है ना चेरी ब्लॉसम, जापान का काफी मतलब बहुत अच्छा सीजन होता है। इस टाइम पे लोग बाहर घर से बाहर आते हैं फैमिली के साथ, गार्डन होता है उसमें पत्ते लगे होते हैं पिंक कलर के, आपने देखा होगा अगर आप एनीमे देखते हो, मैट्रेस बिछा के घर वालों के साथ बाहर लंच करते हैं। तो लोगों ने ऐसी पार्टीज की, लोग गैदरिंग पे गए बाहर, तो इसके चलते थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला। 41 केसेस सिर्फ एक दिन के अंदर देखने को मिले, जो मतलब जापान के लिए काफी झटका था क्योंकि एक टाइम पे ये चीजें रुक गई थी यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने अर्ज करी, लोगों को बोला, रिक्वेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे डंडे नहीं बसते, यहाँ पे डिसिप्लिन काफी है लोगों के अंदर, तो लोग मान जाते हैं, तो सरकार को डंडे बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जापान के अंदर काफी अथॉरिटीज ये चाहती है कि टोक्यो के अंदर लॉकडाउन कर दिया जाए बिकॉज टोक्यो के अंदर सबसे ज्यादा अभी केसेस दर्ज किए गए हैं। बट हमारा जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, उनको लॉकडाउन करने में मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर टोक्यो के अंदर लॉकडाउन हो गया तो जापान की इकोनॉमी जो अभी बिल्कुल बॉर्डर लाइन आ रही है उस पर काफी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ओलंपिक के चलते लोगों ने काफी खर्चा किया है और वो ओलंपिक पोस्टपोन होने के बजाय वो ऑलरेडी एक सरदर्दी झेल रहे हैं, लोन लिया जगह जगह से तब जाके ओलंपिक के लिए तैयारियां करी है, वो चीज अब पोस्टपोन हो गई है। तो जापान इस टाइम पे काफी प्रेशराइज सिचुएशन पे आ रहा है। अब तक का तो सीन ये है, आगे लॉकडाउन हो सकता है अगर लोग तब भी बाहर निकले। 41 केसेस पर डे की जो ये चीज थी, लोग अब और ज्यादा पैनिक हो चुके हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका टोक्यो जो है वो लॉकडाउन पे जाने वाला है। तो मैं अपने दोस्तों से पूछा जो वहां पे रह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई काफी पैनिक सिचुएशन है। मैं सामान लेने के लिए गया भी तो यहाँ पे सब प्याज बिक गया, टमाटर बिक गए, वो बिक गई है, बिक गए, मतलब सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक पड़ा है। तो यहाँ का सीन तो कुछ ऐसा है, एक टाइम पे एक्सेसिव कंट्रोल था जो अभी लोगों ने थोड़ा सा उसको एकदम डिस्टर्ब कर दिया है घर से बाहर निकल के इस चीज को लाइटली लेके। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पूरे वर्ल्ड पे इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ा है तो जापान ने कैसे एक्सेसिव कंट्रोल पाया, वो सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, वो है डिसिप्लिन। अमेरिका इटली जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार इन लोगों को वार्न करके थक गए बट दे स्टिल केम आउट। और ऑस्ट्रेलिया में मेरी एक फ्रेंड रहती है, अंदर शी सेड लाइक कि लोग बीचेस पे जा रहे हैं ऐसे पैनिक सिचुएशन के टाइम पे चिल करने के लिए, तो उसको लेके आज वहाँ केसेस 3000 में लाइक कितने पहुंच चुके हैं, लास्ट टाइम मैंने आस्क शी सेड 3000 समथिंग। यहाँ पे अगर लोगों को इतना ही पता चल रहा है कि टाइफाइड आने वाला तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। यू कैन सी अ लॉकडाउन लाइक अ सीरियस लॉकडाउन गोइंग ऑन कि कंपनी जल्दी बंद हो जाती है, लोग बाहर नहीं निकलते, चाहे वो छोटा मोटा टाइफाइड हो कोई बाहर नहीं निकल। सेकेंडली यहाँ का जो मास्क कल्चर है, लोग मास्क चाहे वायरस हो या ना हो, ये लोग पहले से काफी टाइम पहले से मास्क लगा के, इनको थोड़ा सा फीवर कफ या कोल्ड भी हो जाए ना, दे ऑलवेज कैरी अ मास्क इन द बैग, जिसके चलते जापान को काफी मदद मिली। इनके कल्चर में है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं मिले कि अपने अमेरिका एंड इंडिया में व्हाट्सअप गले मिलना ये सब करना, जापान के अंदर ये नहीं है। जापान के अंदर एक तो वो करके वो बात करते हैं, एक सोशल डिस्टेंस रख, इतना टच ही नहीं रहते ये लोग, तो इससे भी इनको काफी मदद मिली है। एंड छोटे मोटे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं दो कंपनी के अंदर काम करता हूँ, मेरे एक इंडियन रेस्टोरेंट एक अमेरिकन रेस्टोरेंट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। बट इन रेस्टोरेंट्स के अंदर मुझसे पूछा गया, मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछा कि एक पूरी ढंग से तहकीकात थी कि तुम्हारे घर के अंदर कोई अभी एक महीने दो महीने पहले कौन बाहर देश होके आया है, कौन कौन किसी के घर में किसी कोई बीमार है या नहीं है। तो ये मैनेजर हमसे पूछा, हमने बताया, एंड अगर बाहर घूम के कोई आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, मतलब पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कौन से कंट्री से होके आए हो, तुम कब गए थे, कब आए। अभी की सिचुएशन ये है भाई, आगे देखो क्या होता है।